गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का कैरियर टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ कैरियर टेक एकेडमी। पिछले सेशन में हमने जो देखा वो था कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर और कैलकुलेटर में फ़र्क क्या है और कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हैं। इस सेशन में हम देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या है और उसके काम करने का सिद्धांत क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर्स, ये दो चीज हम लोग अभी देखेंगे। फाइन, तो अगर हम कंप्यूटर को समझना चाहें तो हम कंप्यूटर को उसके ब्लॉक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे कंप्यूटर को हम तीन मुख्य भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये पहला है इनपुट यूनिट, दूसरा है आउटपुट यूनिट और ये तीसरा है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, IU, OU आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CU। ठीक है, हम अपने CPU को फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हुआ MU मेमोरी यूनिट, दूसरा पार्ट हुआ CU यानी के कंट्रोल यूनिट और तीसरा पार्ट हुआ ये क्या हो गया भाई तीसरा पार्ट हुआ ALU यानी कि अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, देखिए अब इसके काम करने के सिद्धांत को अगर समझा जाए तो काम कैसे करता है हमारा कंप्यूटर, इसको देखें। हमें जो भी कंप्यूटर से काम कराना होता है तो हमें कंप्यूटर को उस तरह का एक निर्देश देना पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ढेर सारे इंस्ट्रक्शन के सेट को एक प्रॉपर सीक्वेंस में जब लिखा जाता है तो उसे कहते हैं प्रोग्राम। तो हम अपने प्रोग्राम के थ्रू अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और कहां से देते हैं कंप्यूटर का इनपुट, वो है इनपुट यूनिट से। अब ये इनपुट यूनिट अलग अलग तरह के होते हैं, इसको हम लोग बाद में विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो जब हम इनपुट देते हैं इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन के साथ साथ उसे डेटा भी देना रहता है जिसके ऊपर वो काम करेगा। ठीक है, तो हमें कंप्यूटर से काम कराने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, एक है इंस्ट्रक्शन और दूसरा है डेटा जिस पर हमारा इंस्ट्रक्शन काम करेगा। तो जब भी आप इंस्ट्रक्शन और डेटा कंप्यूटर को इनपुट करते हैं तो इनपुट यूनिट से देते हैं और वो सबसे पहले जाता है आपके मेमोरी यूनिट में। ठीक है, जब मेमोरी यूनिट में गया तो वहां पे वो बाइनरी फॉर्मेट में सेव होता है, बाइनरी फॉर्मेट यानी कि 0 और 1 के फॉर्मेट में। हम आपको बता दें कि कंप्यूटर हमारे और आपकी तरह अंग्रेजी या हिंदी या बंगाली या तमिल तेलुगु या किसी दूसरी भाषा को नहीं समझता है। ये भाषाएं मनुष्यों के लिए है, इंसानों के लिए है। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो केवल 0 या 1 दो ही चीज समझता है। 0 मीन्स इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑफ, 1 मीन्स इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑन, 0 1। तो हम कंप्यूटर को जो भी इनपुट देते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, भले ही हम अंग्रेजी जैसी भाषा में लिख के देंगे बट इंटरनली वो स्टोर होगा, डिकोड होगा कंप्यूटर की भाषा में। राइट, 0 1, 0 और 1 होता है, दो सिंबल हैं 0 1, बाई, बाई मीन्स 2, तो इसलिए इस लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। राइट, तो ये बाइनरी फॉर्मेट में यहां स्टोर होता है मेमोरी यूनिट में। ठीक, जब इंस्ट्रक्शन यहां पे आया, जब प्रोसेसिंग शुरू होती है तो कंट्रोल यूनिट एक सिग्नल देकर के किसको
मेमोरी यूनिट को, इंस्ट्रक्शन को पहले निकालता है, इसको कहते हैं फेच ऑपरेशन. क्या कहते हैं? फेच. फेच करना मतलब निकालना, प्राप्त करना. तो फेच ऑपरेशन के दौरान हमारा जो कंट्रोल यूनिट है ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शन और डेटा को फेच करता है, निकालता है. निकालने के बाद वो उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करवाता है. उसका मतलब क्या है? जैसे कोड दिया है 110011, मान लो ऐसा कोड है, तो इस कोड का अर्थ क्या हुआ वो उसको डिकोड करवाता है. करवाने के बाद उस इंस्ट्रक्शन को भेज देता है किसके पास? ALU के पास, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के पास. ठीक है ना? नाम ही बता रहा है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट. तो जितना भी अरिथमेटिकल या लॉजिकल प्रोसेसिंग करना होता है ये कौन करता है? आपका ALU करता है. ठीक है? तो ALU will perform all the required arithmetical and logical operation. ठीक. मान लेते हैं उसको डेटा की जरूरत पड़ी, तो ये कंट्रोल यूनिट की मदद से वहां से डेटा फेच करेगा इंस्ट्रक्शन के अनुसार. सपोज आपने ऐड करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है तो वो उसको ऐड करेगा. मल्टीप्लाई करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है तो मल्टीप्लाई करेगा. सब्ट्रैक्ट करने के लिए पर इंस्ट्रक्शन दिया है तो सब्ट्रैक्ट करेगा. इंस्ट्रक्शन के अनुसार डेटा के ऊपर ऑपरेशन करेगा और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को दोबारा कंट्रोल यूनिट की मदद से कहां सेव कर देगा? मेमोरी यूनिट में. ठीक है? पहले कंट्रोल यूनिट से डेटा इंस्ट्रक्शन लिया, डिकोड किया, दिया किसको? अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट को. और लॉजिकल यूनिट ने, अरिथमेटिकल लॉजिकल ALU ने उस रिक्वायर्ड ऑपरेशन को परफॉर्म किया, प्रोसेसिंग की, रिजल्ट को दोबारा कंट्रोल यूनिट की मदद से भेज दिया. कहाँ? मेमोरी यूनिट में. फिर उसी रिजल्ट की एक कॉपी वहां से भेज दिया जाएगा कहाँ? आउटपुट यूनिट पे, और आपको रिजल्ट मिलेगा. है ना? तो ये कंप्यूटर के काम करने का तरीका है, सिद्धांत है. एक बार इसको हम लोग देखते हैं. वी एंटर आवर कमांड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा थ्रू आवर इनपुट डिवाइस. हम अपने इंस्ट्रक्शन को या कमांड को और डेटा को इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में भेजते हैं. विच इज फर्स्ट सेंट टू द मेमोरी यूनिट, जो कि पहले कहां भेज दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है? मेमोरी यूनिट में. द कंट्रोल यूनिट CU टेक्स अप द डेटा, यहां से डेटा लेता है, एंड इंस्ट्रक्शन को भी लेता है फ्रॉम द मेमोरी यूनिट, गेट्स इट कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज, उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाता है, एंड सेंड्स इट टू द ALU, और उसे आगे भेज देता है ALU के पास फॉर प्रोसेसिंग. द ALU परफॉर्म्स द रिक्वायर्ड ऑपरेशन. ALU जो भी इच्छित ऑपरेशन है, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन में दिया है, उसको प्रोसेस करता है, उसको परफॉर्म करता है, एंड प्लेसेस द रिजल्ट बैक इनटू द मेमोरी विद द हेल्प ऑफ CU, और रिजल्ट को दोबारा मेमोरी यूनिट में स्टोर करता है CU की मदद से. अ कॉपी ऑफ रिजल्ट इज देन सेंट टू द आउटपुट यूनिट बाय द CU. रिजल्ट की एक कॉपी आपके आउटपुट यूनिट पे भेज दिया जाता है. किसकी मदद से? CU की मदद से. देखिए, CU जो है आपके कंप्यूटर का हृदय है, वो सबको कंट्रोल करता है. कैसे? बाय सेंडिंग कंट्रोल सिग्नल्स, कंट्रोल सिग्नल भेज के.
जब तक ये कंट्रोल सिग्नल नहीं भेजेगा कोई भी पार्ट अपना काम नहीं करेगा। जब ये सिग्नल भेजेगा तो मेमोरी में डेटा स्टोर होगा या वहां से डेटा आएगा। जब यह सिग्नल भेजेगा तो ALU अपना प्रोसेसिंग करेगा। जब यह सिग्नल भेजेगा तो ALU से रिजल्ट जाके स्टोर होगा MU में। तो देखा जाए तो यह खुद कुछ नहीं करता बट बाकी सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसका नाम है कंट्रोल यूनिट। समझ में आया? तो इनपुट डिवाइस जहां से हम अपना कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, मेमोरी यूनिट जहां पर हमारा डेटा इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम सब स्टोर होता है, कंट्रोल यूनिट जो सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट जहां पर डेटा की प्रोसेसिंग होती है इंस्ट्रक्शन के अनुसार। अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शन है तो अरिथमेटिकल ऑपरेशन होगा, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है तो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जो भी स्टोरेज का काम होता है मेमोरी यूनिट का, तो रिजल्ट दोबारा स्टोर होगा मेमोरी यूनिट में। किसकी मदद से? कंट्रोल यूनिट की मदद से। और जब मेमोरी में रिजल्ट आएगा तो कंट्रोल यूनिट ही एक सिग्नल भेजेगा कि उस रिजल्ट की कॉपी कहाँ भेज दिया जाए, आउटपुट यूनिट में, और आपको आउटपुट यूनिट पे अपना रिजल्ट मिल जाएगा। जैसा आउटपुट यूनिट हो, अगर आउटपुट यूनिट विजुअल है तो दिखाई देगा, अगर आपका वो प्रिंटेड फॉर्म में है तो प्रिंट होकर मिलेगा, अगर वो ऑडियो फॉर्म में है तो सुनाई देगा, एंड सो ऑन। तो ये जो काम करने का सिद्धांत है, कंप्यूटर के काम करने का सिद्धांत है, ये सबसे पहले दिया गया था आपके चार्ल्स बैबेज के द्वारा। ऐसा नहीं कि चार्ल्स बैबेज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कंप्यूटर बनाने का प्रयास किया, ऐसा नहीं है, बट चार्ल्स बैबेज वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कंप्यूटर के काम करने के सिद्धांत को सही सही पहली बार दिया था, इसीलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। सतीश बंद करना है, तो अभी बंद करना है, तो इसीलिए उनको सम्मान के साथ फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। तो इसके साथ ही आपका ये सेशन खत्म होता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार फिर से कमेंट करके हमें बता सकते हैं। राइट, थैंक यू।